गर्व का है दिन। जिलावासी प्रगणावासी आज गर्व से इतिहास की तरफ देख सकते हैं, जिस इतिहास ने खूबसूरत भविष्य की नींव रखी। आज उसी इतिहास के बदौलत संथाल प्रगणा मना रहा है 166वां स्थापना दिवस। जी हां, आज ही के दिन 1855 में संथाल प्रगणा को बनाया गया था। 30,000 संथालों के विरोध ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 30 जून 1855 को दो सगे भाई सिद्धू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में करीब 30,000 संथालों ने विद्रोह कर दिया था। क्षेत्र से अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गए। इस संघर्ष में सिद्धू कानू के साथ उनके अन्य दो भाई चांद और भैरव भी मारे गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार बीपी केसरी कहते हैं, संथाल हुल ऐसी घटना थी जिसने 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों ने संथाल क्षेत्र को वीरभूम और भागलपुर से हटा दिया। 1855 में ही संथाल प्रगणा को नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया। यह क्षेत्र भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, जिसका मुख्यालय दुमका हुआ करता। 22 दिसंबर 1855 में संथाल प्रगणा की नींव रखी गई और तब से हर वर्ष संथाल प्रगणा दिवस को अनेकों कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में गोड्डा में सिद्धू कानू और फूलो झानो की मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जहां गोड्डा वासी मौजूद रहे। संथाल प्रगणा स्थापना दिवस 22 दिसंबर 1855 को अधिनियम कानून बना और लड़ाई शुरू हुआ 1855 को। बहुत खुशी का दिन, इसमें हम सबों को खुशी होना चाहिए, जो भी संथाल परगना एक क्या कहते हैं छोटा क्या बोलते हैं जिला के रूप में संथाल परगना दिवस मनाने संथाल परगना झारखंड में है भी, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार संथाल परगना पर ध्यान देना चाहिए उस तरह से सरकार ध्यान दे पा रही है? उस तरह से नहीं दे पा रही। कहाँ कमी रह जा रही है? कमी तो कुछ है, इसको कैसे हम लोग देखते हैं थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का इतना समस्या है कि जो कि एक दिन में तो समस्या समाधान ही नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हेमलाल हेमरा। संथाल परगना दिवस आज झारखंडवासी मना रहे हैं, संथाल परगना में जितने भी जिले हैं, क्या लगता है संथाल परगना जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए क्या हो पा रहा है? क्या आदिवासियों पर सरकार ध्यान दे पा रही है? लग तो नहीं रहा कि ऐसा ध्यान दे पा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान दे पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि संथाल परगना के अंदर हम भी हैं, तो जैसा विकास होना चाहिए था उस तरह का नहीं हो पा रहा है इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी। लेकिन ध्यान दिलवाना हम सबों का काम है, चाहे आपके माध्यम से न्यूज चैनल के माध्यम से या अन्य लिखित रूप में उनको ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं बीच बीच में कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका संथाल परगना पर भी विशेष ध्यान हो और इसका विकास तेजी से। अब पैसे कमाएं हार्ड वर्क करके नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करके। इजी कैश पॉइंट दे रहा है बहुत ही कम खर्च में आपको CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। अब एक CSP ID लेकर आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे बहुत सी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। आधार कार्ड से किसी भी बैंक से पैसा निकालना और जमा करना, अपने खाते में उपलब्ध बैलेंस चेक करना, मनी ट्रांसफर सेवा द्वारा किसी भी बैंक में पैसा भेजना, बैंक स्टेटमेंट निकालना। इतना ही नहीं, बैंकिंग सुविधा के अलावा किसी भी कंपनी के मोबाइल और DTH रिचार्ज पर 3-4% कमीशन कमाने का मौका, पैन कार्ड बनाने की सुविधा, बिजली बिल जमा करने की भी सुविधा, स्वाइप मशीन द्वारा सभी बैंकों के ATM कार्ड से निकासी की सुविधा। इतना ही नहीं, इसके अलावा अनेकों सुविधाएं और तो और इजी कैश पॉइंट के लैंडलाइन पर कॉल करके आप 24/7 ले सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी। तो सोच क्या रहे हैं, तुरंत CSP लेने के लिए अभी कॉल करें 7726006565 पर।